दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री मित्र योजना सुर्खियों में बना हुआ है। इस योजना के अंतर्गत 7 इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क का निर्माण किया जाएगा, जिससे फायदा ये होगा कि अब एक ही जगह पर स्पिनिंग, बुनाई, प्रोसेसिंग, डाई एवं प्रिंटिंग से लेकर कपड़ों के निर्माण का काम हो सकेगा। भारत सरकार के टेक्सटाइल्स मंत्रालय के अनुसार भारत सरकार ने इस साल से 2027-28 तक यानी 7 साल की अवधि के लिए 4,445 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड में विकास के लिए इस योजना को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि ग्रीनफील्ड का मतलब ऐसे कार्यों से है जिसे शून्य से शुरू किया जाएगा, वहीं ब्राउनफील्ड का मतलब ऐसे कार्यों से है जिस पर काम चालू हो चुका है। वहीं अवसंरचना के विकास के लिए ग्रीनफील्ड को 500 करोड़ रुपए और ब्राउनफील्ड को 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री मित्र पार्क को सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के रूप में एक विशेष प्रयोजन वाहन यानी स्पेशल पर्पस व्हीकल के जरिए बढ़ावा दिया जाएगा, जिसका देखरेख केंद्र और राज्यों के द्वारा किया जाएगा। आपको बता दें कि प्रत्येक मित्र पार्क में एक इंक्यूबेशन सेंटर, कॉमन प्रोसेसिंग हाउस और एक कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट और कई टेक्सटाइल सुविधाएं जैसे डिजाइन सेंटर एवं टेस्टिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इससे क्या लाभ होंगे यह भी जान लेते हैं। इससे कपड़ा निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, इससे 14 लाख से अधिक रोजगार सृजित होंगे, साथ ही प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI में भी वृद्धि देखने को मिलेगा। एक रिपोर्ट के अनुसार 2000 से लेकर 2020 तक भारत के कपड़ा क्षेत्र को कुल 20,468 करोड़ रुपए FDI के रूप में प्राप्त हुआ है, जिसका विदेशी प्रवाह यानी फॉरेन फ्लो 0.69% बना हुआ है। अगर हम भारत के वस्त्र उद्योग की बात करें तो भारत का वस्त्र GDP में 2.3% का योगदान देता है, वहीं औद्योगिक उत्पादन में 7% का योगदान देता है, वहीं भारत के निर्यात में आय के रूप में 12% का योगदान देता है, वहीं रोजगार के मामले में 21% का योगदान रहा है। आपके जानकारी के लिए बता दें कि भारत रेशम उत्पादन में विश्व का दूसरा सर्वोच्च देश है, जहां 95% बुनाई हाथों से ही की जाती है। इसके साथ साथ भारत कपास और जूट का भी बड़ा उत्पादक रहा है। तो दोस्तों, इस इन्फॉर्मेशन में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।